सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, वी आर शिफ्टेड टू आवर न्यू हॉस्टल एंड दिस हॉस्टल इज सो स्ट्रगलफुल। इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता ही चला जाएगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए क्या क्या किया है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, आज अपन को इस प्यारे रूम को छोड़ना पड़ रहा है। द रीज़न इज वी आर गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स अवर पेरेंट हॉस्टल एंड हमारा पेरेंट हॉस्टल है H6। एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं इस मेरे प्यारे रूम को छोड़ के चले जाऊँ, बट द थिंग इज डैट कि कोई भी चीज़ अपने साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट इज द चेंज, बदलाव ही हमेशा रहेगा अपने साथ। तो अभी प्लान ऐसा है कि रूम काफ़ी ही मतलब साफ सुथरा नहीं है, पूरा सामान पैक करना है, बैग भरनी है। छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। तो अभी अपन अपने रूम को पैक करेंगे, साफ सुथरा करके जाएंगे। सो आपके लिए ये प्यारे प्यारे टाइम लाइन है। ये हर दम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं, ये हवा बटोरा करते हैं बारिश की बूंदें। तो ये शिफ्टिंग करते करते काफी पसीना आ गया, बल्कि पसीना अभी भी आ रहा है। कारण यहाँ का ये छोटा सा फैन, छोटा नहीं है बट स्पीड काफी कम है। एंड ऐसे ही काफी सारे स्ट्रगल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी तो ठीक है वेंटिलेशन के लिए डोर खोल सकते हैं, बट जैसे ही शाम हो जाए मच्छर आ जाते हैं, रात भर काटते सोने नहीं देते, फिर क्लास मिस हो जाती है। तो यहाँ पे काफी स्ट्रगल है। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी जेई की प्रिपरेशन स्ट्रगल लेस रहे, आई विल रिकमेंड यू अनअकैडमी IIT JEE मेगा कॉम्बैक, जिसके बारे में काफी लोगों को पता होगा। एंड जिन्हें नहीं पता है तो उनके लिए ये है कि इट इज अ JEE बेस्ड टेस्ट, जहाँ पे 2022, 2023 एंड 2024 के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड काफी सारे इंटरेस्टिंग प्राइजेज भी जीत सकते हैं। सो इसको एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक के साथ मेरा कोड यूज करना है रुशिकाले, एंड दैट्स इट, यू विल बी एनरोल फॉर दिस एग्जामिनेशन। बाकी अनअकैडमी पे अभी JEE PYQ टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है, और JEE 2022 देने वाले उनके लिए ये काफी अच्छा फीचर है, क्योंकि अभी एग्जाम एक्सटेंड हो चुकी है, आपके पास काफी टाइम बचा है। सो इस टाइम के बीच क्या करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही कि आपको PYQ टेस्ट सीरीज देने है। तो अनअकैडमी पे अभी 2011 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल एंड उसके सॉल्यूशंस भी है। सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस फीचर। एंड एक छोटी सुपर 30 टेस्ट सीरीज है जो वीकली होती रहती है, एंड उस वो देख के आप काफ़ी सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो PYQ एंड देना एंड प्राइजेस जीतना ये बस अनअकैडमी पे हो पा रहा है, तो जाइए और इसका लाभ उठाइए। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे मेरे साथ आदित्य नहीं है, बिकॉज नए हॉस्टल में आया, वी बोथ आर नॉट रूम मेट्स, सो वी वेर क्वाइट इमोशनल बिफोर लिविंग आवर ओल्ड रूम। सो आदित्य, हाउ आर यू फीलिंग? वी आर लिविंग दिस रूम, बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा महसूस हो रहा है। मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, ये मैट मुझे फिर से नहीं दिखेगी। अरे मैट आसल में यूज नहीं किया यार, इतना खड़ा था योगा करने के लिए, आसल में उठा ही नहीं जब तक नहीं शुरू करा। अरे मेरी भी पड़ी अलमारी है। इसने बस योगा का वीडियो बनाने के लिए फर्स्ट डे तुमने बस यही नहीं दिया है ना, बस वीडियो बनाने के लिए, बस वीडियो के बनाने के लिए तूने बात में तो एक बार क्या था कोई के साथ में बोल रहा वो छोटे हैं, बट लेट अस फोकस ऑन दिस रूम। मैं ये नहीं देख रहा कि ना ठीक है आज सजा हुआ नहीं है, बट ये चीजें है, बॉटल है, जब तू बैठा है नॉर, बाकी ये अभी तो उधर तुझे उधर तो एक कपड़े टांगने के लिए जगह ही नहीं मिली। क्या मेरा एक रूम है स्पेशल मेरे लिए, तो उसमें मस्त मेरा हो जाए। तो ये अभी मुझे बोल रहा है एक तरीके से कि आई एम नॉट हिज रूमी नाउ एनीमोर, आई विल बी लिविंग विद माय ओरिजिनल रूमी। इस डुप्लीकेट रूमी के बाद साथ कभी नहीं रहना। बट वी हैव प्लान कि आदित्य अकेला है, तो आदित्य के रूम को हम स्टूडियो बनाने वाले हैं,
मेरे पास एक नूर भी है, मैं भी हूँ, तो N6 में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं एंड वी विल बी मेकिंग दैट आदित्यस हाफ रूम स्टूडियो। एंड अभी यहाँ पे पूरी पैकिंग हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू लीव दिस रूम। मन तो नहीं कर रहा है बट जाना पड़ेगा। दिखाता हूँ कि पूरी रूम का सामान बाहर हमने रख दिया है वो वहाँ पे, एंड टिल देन आई विल शो यू द व्यू फ्रॉम दिस रूम। इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड सुबह सुबह सनराइज इसी डायरेक्शन से होता है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। इस डायरेक्शन से सनलाइट आती थी सीधा यहाँ पे, सनलाइट के साथ हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती थी। इस साइड में मस्त व्यू है, विल मिस दिस एक्चुअली सो मच। अभी अपन निकलते हैं, बहुत सारा सामान है, मैं दिखाता हूँ इतना सारा सामान है। एंड 6 लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो हमें ऑटो लेके जाना पड़ेगा 2-3 चक्कर में। एंड वहाँ पे भी मेरी रूम 2nd फ्लोर पे है, तो ये पूरा सामान 2nd फ्लोर पर ले जाना इट्स नाउ टफ जॉब। तो ये फिर सामान ऑटो में रख के यहाँ पे आ गए। फिर जैसे तैसे ऑटो में इतना सारा सामान लाके हम फाइनली H6 शिफ्ट हो गए। एंड आने के बाद हमें थोड़ी देर आराम करने चाहिए था, नहीं बट ये नौतन की बात आदित्य क्या कर रहा था देखो। रूम रही आदित्य की और इसमें अच्छा सा ये मस्त बेड अंदर था, इस बेड को बाहर निकाल के इस कमरे में से ये वाला बेड ला के अंदर ले जा रहा है और अब ये फंस गया है, तो अभी थोड़ी देर परेशान होगा, इसको वापस अपनी जगह लेके जाएगा एंड वापस ये बेड अंदर रहेगा। तो इसको पता नहीं मजे आ रहे हैं, क्या कर रहा है तू, ये पगला गया है, कैमरा हटा दे, पगला गया है, बिहार जाना है वापस, पगला गए हो आप, दिमाग रहेगा तुम लोगों के पास तब तो तुम लोग एक नंबर के। क्या क्या व्हाट तुम लोग क्या कह रहे हो? ओ हम और आप तो ये थोड़ा सा अंदर से, वाह ये कर लो पहले ये इस बार चला जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, कितनी भी मेहनत कर दो नहीं जाएगा ये। मतलब इसमें अच्छा था तब भी तुझे इससे परेशानी क्या थी? मैं जाना था कि बेड रूम में तो, पर उस बेड ने क्या बिगाड़ा था तेरा भाई? छोड़ दे भाई, तू चला जा यार, मुझे इसको अंदर करना है। ओके मजा आ रहा है देख के, परेशान हो रहा है, दूसरों को भी परेशान कर रहा है। तू जा यार, तू इसकी क्या मदद कर रहा है, इसको अकेले को परेशान कर देगा भाई, ये व्यू भी नहीं रहा है। अब तो ये ना बाहर आएगा ना अंदर जाएगा, ऐसे ही रहते हैं। पर आदित्य तो ठहरा एकदम डेडिकेटेड आदमी, वो तो रुकने नहीं वाला है। फिर उसने कुछ ना कुछ करके आगे क्या किया है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपकमिंग वीडियो का वेट करना, उसमें आपको पता ही चल जाएगा कि बेड अंदर गया या नहीं गया, आदित्य क्या कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अप टिल नाउ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। I'm not